की सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला। दोनों पार्टियों ने उतारे राजपूत उम्मीदवार। सरकारी कंपाउंडर से हुई थी जिनके करियर की शुरुआत, अब देगा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को टक्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जातीय समीकरणों पर ध्यान दे रही है। बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस और भी ज्यादा सतर्क हो गई है, तो वहीं बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। इसी बीच 12 मार्च देर शाम कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर असमंजस की स्थिति थी कि टिकट मिलेगा या फिर नहीं, जैसे कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। इन हाई प्रोफाइल चेहरों के साथ साथ हाई प्रोफाइल सीटों के उम्मीदवारों पर भी सभी की नजरें थी। एक ऐसी ही हॉट सीट है जोधपुर की सीट, जहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया। लेकिन ये कौन है जिन पर केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इतना भरोसा है कि वो केंद्रीय मंत्री को हराने का दम रखते हैं? इनका नाम है कांग्रेस के महासचिव करण सिंह उचियारडा, जो कि 20 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं। बीते लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। इस बार बदलाव करते हुए सचिन पायलट की बात को मानते हुए कांग्रेस ने करण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूं तो वो पिछले करीब 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन जब सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उनका कद बढ़ गया था। सचिन पायलट को साल 2014 में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब करण सिंह को प्रदेश सचिव का पद मिला था। 2013 में पायलट ने करण सिंह को टिकट देने की पैरवी की, लेकिन उन्हें पार्टी ने अनदेखा किया। 55 साल के उचियारडा नाडौल के राजराजेश्वरी आशापूर्ण मंदिर के ट्रस्ट भी हैं। इससे पहले वो जोधपुर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन है करण सिंह? उचियारडा ने अपने करियर की शुरुआत जालौर में सरकारी नौकरी के तौर पर कंपाउंडर के रूप में की थी। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद उन्होंने जालौर में ही आशापूर्णा के नाम से अपनी रियल स्टेट की कंपनी खोल ली। कुछ समय बाद करण सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़कर फुल टाइम रियल स्टेट के बिजनेस से जुड़ गए। कुछ समय बाद जोधपुर में अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। इसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और कांग्रेस से जुड़ गए। 2007 में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में आधिकारिक रूप से जुड़े। करण सिंह ने लगातार पार्टी से जुड़े रहे और लोगों के लिए काम किया। जिला स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां निभाई। सचिन पायलट का राजस्थान कांग्रेस में उदय हुआ तो करण सिंह पायलट कैंप से जुड़ गए। 2013 के बाद पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव बनाया। 2018 के चुनाव में करण सिंह ने विधानसभा की दावेदारी की तो पायलट से नजदीकियों के चलते गहलोत ने आड़ी लगा दी। इसके बाद पायलट खेमे बगावत के चलते पायलट प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिए गए। डोटासरा की कार्यकारिणी में उनको फिर हाशिए पर धकेल दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में सुमेरपुर से फिर से दावेदारी की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उनको प्रदेश कांग्रेस में महासचिव बना दिया गया। हालांकि इस बार कांग्रेस और सचिन पायलट दोनों को ही उनसे बेहद उम्मीदें हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये सिपाही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। नमस्कार।